गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 11 जनवरी के दिन में आपका स्वागत है। आज दिन भाई शुरू हो रहा है 10:15 पे। 9:30 के करीब उठ गया था आज, और भाई उठते उठते फिर वही आधा घंटा लग गया मुझे बेड से चाय वाय पी के। ठंड तो हो रही है आज थोड़ी बहुत, बट अच्छी बात यह है कि धूप निकल रही है। आप अगर देख सको मेरे पीछे, धूप का भी आगमन हो चुका है। तो आज ऊपर बैठेंगे थोड़ी देर, चलिए मैं भी विटामिन डी लूँगा और मैं भी ट्राई करूँगा कि अपनी चुगली गैंग में मैं भी शामिल हो जाऊँ। समझ रहे हो तुम लोग, मजाक कर रहा हूँ। अभी तो दिन शुरू करते हैं फटाफट से और एक तड़कता भड़कता सा व्लॉग देते हैं आपको बना के। लेट्स गो भाई। मम्मी अपने काम में इतनी मदहोश हो जाती हैं, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मम्मी ने दो दो बिंदी लगाई हुई है मेरे को, एक एक बिंदी आँख के पास, जमे बनाए हुए हैं। आलू के परांठे यहाँ पर बन चुके हैं। मैंने कहा मम्मी चाय बना दो, तो मम्मी ने कहा ये इतना दूध क्यों फूका है, तेरे लिए तो बनाया है जमा, तो तू खा जमे। दूध चाय नहीं बनाई यार, बना दी गाइस चाय भी। चाय तो बना ली थी, पर ये तो सड़ी हुई चाय है गाइस, ये तो नहीं पी सकता मैं। तो पराठे खाएंगे और खाएंगे जमे। लेट्स गो। वो ले ले अचार का, वो जो कुछ लेता हो ले। वो वाला अचार होगा ना, लहसुन का गाइस, लहसुन का अचार खाता हूँ मैं बस। आम का अचार पता नहीं इस बार जो लाए हैं घर वाले, वो थोड़ा सा अजीब सा अचार है, मतलब सड़ा सड़ा सा लगता है। समझ रहे हो, मतलब बोलना मत तुम किसी से, ठीक है। भाई चुगली गैंग की एक मेंबर फोन पे है, मौसी, और चुगली गैंग की दूसरी मेंबर ये बैठी हैं। तो ये देखो, आप चुगली चलेगी। मौसी ने मौसा को भगा दिया है काम पे, इस वजह से कि यहाँ पे बैठ के दोनों चुगली कर सके। अच्छा नहीं, मौसा गई नहीं देखो ले। तो भाई ये फोन कर करके चुगली कर रहे थे, तो मौसा जी को भेज रहे हैं तुम काम पे जाओ। देख लो गाइस, चुगली वाले गैंग के दो प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख रहे हो तुम लोग, कुछ तो डिस्कशन चल रहा है बहुत गहरा, कपड़ों के बारे में, समझ रहे हो, सॉक्स के बारे में कि कौन सी पहनूं कौन सी ना पहनूं, पिंक पहनूं येलो पहनूं या ब्लू पहनूं। ठीक है भाई, भाई तुम मुझे ये बताओ कि दूसरा आदमी ना बार बार जाने को तैयार है, भाभी को अब काम होगा कुछ, तो भाभी चलने को तैयार थी वापस, तो क्या कर दी है मम्मी बार बार, ए रुक जा बैठ जा दो मिनट, ए रुक जा, चुगली चंटी करने को बस उसको रोक के रखेगी बेचारी। इसका पजामा थोड़ा बड़ा है, तो छोटा ले आओ खरीद के, ये रखने में कोई फायदा छोटा नाने का अनु बता कौन सी वो कटवाऊं इसे। मैंने इसे कहा मॉल में ही बढ़िया काटेंगे भी टेलर, और क्या मॉल में ना काटने को था कोई, तो यू काटना जरूरी है मॉल लो अंदर को ना यो अजीब सा लग रहा, मैं इससे ही कटवा लूंगा। टेलर जो यहाँ बैठा रहे, यो टेलर बढ़िया नहीं सुनने का, कोई बात नहीं, अब जैसा बनेगा बन जाएगा, अभी करवा लूंगा, इसे मुझे जाना है, अभी तो पहनने की समय, और अभी ज्यादा सर्दी आ रही है, मुझे पहाड़ों पे जाना। कहाँ जा रहे तब मैं सब कहा कटवा के, कहीं नैनीताल लेंस डाउन कहीं तो जाओगे, घूमते ही रहे बस। मम्मी कुछ कह नहीं पा रही है गाइस, मम्मी कुछ टिप्पणी करना, तो मौसा जी नु कह रहे अरे निमित वहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है, यहाँ गर्मी हो रही है, जाओ। मैंने कहा तू बॉम्बे का टिकट करवा जल्दी, वहाँ रहेगा जाइए, बुला रहे थे मौसा जी। तो कटवा लाऊंगा इसे पजामे को गाइस, ठीक है। अब हम गेम खेलने आ जाएंगे भाई मेरा, मेरे को रात को ना ठंड लगती नहीं, अब जब मुझे ठंड लग रही थी तब तो इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं ओढ़ने के लिए, अब रात को इस ब्लैंकेट पे कवर चढ़ा रही हैं कि कह रही हैं कि तुझे ठंड लगती है। अब मेरी नहीं सुन रही, ठंड मुझे लग रही है और मैं नहीं डलवाना चाह रहा, ये कवर पहना रही है, बताओ ब्लैंकेट को कवर पहना रही है, बताओ गाइस कुछ इलाज है गाइस इस चीज़ का, बताओ। लेकिन एक बात तो है भाई, ये जो ब्लैंकेट है ना भाई, इनसे बिल्कुल ठंड नहीं रुकती है, कितना ही महंगा ब्लैंकेट खरीद लो। और मेरी मम्मी के दहेज में रजाई आई थी, समझ रहे हो तुम लोग गई, मेरी मम्मी जब आई थी शादी करके पापा से, तो दहेज में बोलाई थी रजाई, और वो रजाई अब तक इतनी मतलब ठोस है भाई, इतनी अच्छी है कि उसको ओढ़ लोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बाहर क्या मौसम हो रहा है, समझ रहे हो तुम लोग। तुम्हें दिखाऊंगा वो रजाई कहाँ पे, पूछते हैं नहीं रजाई है, वो हम ऐसे रखते हैं उसको छुपा के, नजर ना लग जाए हमारी रजाई। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा मैच है भाई, ठीक है, वो आप कर लो काम, ऐसे काम ना मैं करवाता, नाइदर आई एम इंटरेस्टेड नॉर आई, बाय बाय। भाई मम्मी आवाज लगा रही है बाहर बैठी बैठी, चल के देखते हैं क्या कहना चाहती है, लेट्स गो।
हाँ सुई खो दी गई मम्मी ने कहीं दंगा पड़ा हुआ तो बहुत लंबा ऐसे कलर कहाँ पर ही कंबल के पीछे हट तो यहाँ से देख लिया अरे मैंने तो वो शायद यहाँ रखी थी भैया वो मैंने कंबल झटका हाँ यही है अरे यो ना है मगर सुई है वो तो बहुत लंबा था गाँव कंबल अल्टा पल्टा मार के देख तू इस महिला की वो कहीं पे चिपक रही होगी धागा बहुत लंबा इतना लंबा बेटे क्योंकि मम्मी को दिखता नहीं दोनों आंखों से कम दिखता है इसलिए अरे कम क्या दिखे वो मैंने कंबल में झटका मारा जिसका तो था रुक जाओ उस वाले कोने में से ढूंढ दिया तुम्हारे भाई ने हाँ 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 रहन दो उसे ऐसे ना रहन दोगी तो जा इकट्ठा हो जाएगा फिर निकाल के फेंक दे जल्दी दे इसे ऊपर रख तमीज से ये देखो गाइस तुम्हारे भाई में बहुत ताकत है जा रहा हूँ अगर भाई इस आदमी से मैंने बोला मैंने कहा ट्रिप पे जा रहे हैं अब तो ट्रिप पे गाड़ी करवा दे क्योंकि इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है तो अब ये देख रहे हो तुम ये कह रहा है कि मना कर दे मैं नहीं दूंगा क्यों मना कर रहा है भैया क्योंकि आप 6 दिनों की उसमें 7 लोग ले जा रहे हो अगर एक गाड़ी में 7 7-सीटर गाड़ी में मैं 7 बंदे नहीं ले जा सकता कह रहा है कि 6 बंदे भेजूंगा तो फिर क्या मतलब बनता है समझ रहे हो तुम लोग तो इसलिए मैंने कहा कि भाई नहीं मैं तो 7 बंदे लेकर जाऊंगा ना फिर कह रहा है भाई इनोवा क्रिस्टा कर लो अबे इनोवा अगर इनोवा क्रिस्टा मैं कर मुझे करनी होती तो मैं इनोवा क्रिस्टा करता क्योंकि मैं उतने पैसे नहीं देना चाहता इनोवा क्रिस्टा जितने तो एक बंदे को अंदर ले जाओ क्यों ना ले जाओ तू कैसी बातें कर रहा है तू कैसी अगर अगर मेरे को ज्यादा ले जाने होंगे तो मैं ट्रैवलर करूंगा मेरे को कम ले जाने होंगे तो मैं ऐसी करूंगा ना जो मेरे मेरे बजट में है ठीक है और फिर ऊपर से पैसे भी कम नहीं करता गाड़ी रेंट करके खुद चला के ले जा रेंट कर ले रेंट कर लो साथ में से दो तो होंगे चलाने वाले दो चला लो अपना पेट्रोल सीएनजी भरवाओ अपना सारे पी के सेट जाते हैं दिक्कत है मुझसे पूछ तू बोतल देगी इनकी पी के सेट खैर जाते होंगे पर एटिगा नहीं जा सकती दबे गाड़ी भैया और पहाड़ की बात है इसलिए प्लेन की होती पिछली बार जब गया था ना एटिगा लेकर ऋषिकेश तो भाई वो जिस तरीके से चला रहा था बहुत मतलब ऊपर नीलकंठ चढ़ाने में मेरे तो वो हो गया था पता नहीं क्या हो रहा था उसकी गाड़ी को क्यों क्यों आप ये 6 जनों की गाड़ी में 7 जने बिठाओगे तो क्या होगा क्या होगा गाड़ी में फर्क पड़ता है भैया 7 सीटर बोल लिया ना वो मारुति सीटर ड्राइवर को मिला के हाँ वो 7 सीटर होती है ड्राइवर को मिला के लोग ड्राइवर वाली सीट इंक्लूडेड होती है उसमें वो 8 सीटर मानी जाएगी 8 सीटर नहीं मानी जाती 8 सीटर तो भैया बस क्यों बनाई है 7-8 इलॉजिकल बात कर रहा 8 सीटर होती है 7 बंदे उसमें नॉर्मली बैठ सकते हैं 8-2 सीटर के लिए प्रॉपर ट्रैवलर होती है अब लो ट्रैवलर चाहिए अब दे रहा हूँ एक्चुअली 8 सीटर 9 सीटर अब क्या 8 सीटर 9 सीटर ट्रैवलर का रेट बता दे तू मुझे लैंसडाउन तक का 35 रुपए जान बूझ के इसने वो रेट बोलेगा जिसपे मैं पहले ही मना कर दूं और क्रिस्टा का कितना रेट है 20 आपके लिए 19 नहीं नहीं डिस्काउंट दे दिया अरे 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 उसके भाई वीडियो में मत दे तो डिस्काउंट अरे भैया साले फोन आ रहे हैं साले मुझे नहीं दिया अपने दोस्तों को गाइस तो झूठ है ऐसी बात तो नो क्रिस्टल है और उसमें कितना है अर्टिका का 15 है तो यार 17 में दे तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है गाड़ी पे है हम पे नहीं जो हम पे क्या जोर पड़ रहा है यार इतनी गाड़ी है एक आधी चल चुला ली तो क्या वो है अब आप कस्टमर हो अब आपको मैं कस्टमर हूँ अरे मतलब एक बात कह रहा हूँ आप कस्टमर हो आपको हम पुरानी बेकार गाड़ी देते हैं हमें नहीं चाहिए इसलिए नई गाड़ी देते हैं एकदम जो जिसकी कंडीशन वगैरह बढ़िया हो इसलिए तो ये बात है चलो कोई बात नहीं भाई तो इस बार हम जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए हमको शायद ट्रैवलर करनी पड़ सकती है लेकिन अगर बंदे कम हुए तो फिर हम अर्टिगा पे ही जाएंगे और अर्टिगा में मैं साथ ही बैठा के लेकर जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा भी ठीक है भाई मुसामिल देखी जाएगी देखी वेगी कुछ नहीं जाएगी कैमरा में कैद हो चुका है अब
अरे वो तो अगर नहीं हुआ तो यशिकार एंड टूर एंड ट्रैवल तो का फिर क्लाइंट क्लाइंट कम हो जाएंगे। क्लाइंट ही सही वो थोड़ी है। गाइस देख लो क्लाइंट जो भी ये शिकार क्लाइंट हो, अब आप क्लाइंट हो गए। मैं नहीं हूँ ना, मैं क्लाइंट मान लिया। नहीं मैं क्लाइंट नहीं हूँ ना, बाकी तो लोग ले ली। क्या कह रहे अपने को क्लाइंट बता रहे, क्लाइंट नहीं हूँ मैं। क्लाइंट हो तो क्लाइंट वाले धीरे धीरे देना बात खत्म। किस बात का रिश्ता फिर? सही बात है। नहीं 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 आपने मुंह से क्यों बोला? देख अगर तू मुझे तू गंजा हो गया क्या? अबे दिखा देना जरा। अच्छा बाल पीछे कर रखे, मैं सोच रहा था छोटी से नहीं लग रहा, बाल खराब हो रहे थे। तो व्लॉग व्लॉग को बंद कर दूं? देख लो भाई अब ब्लॉग बंद कर, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो भाई ट्रैवल हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और बहुत ही जल्द ट्रैवल व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। थू 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 मेरे ट्रैवल को किसी की नज़र ना लगे बस भाई, और प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। और हम होपफुली नैनीताल या लैंसडाउन का एरिया देख रहे हैं, अगर बस ये अभी मैंने रिसर्च नहीं कराया ढंग से क्योंकि मैं पहले उस वाले एरिया पे गया नहीं हूँ। तो मैं हिमाचल की साइड और उत्तराखंड में दूसरी साइड पे गया हूँ, ऋषिकेश के ऊपर वाली साइड पे। फिलहाल आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगता है व्लॉग तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द व्लॉग्स टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली व्लॉगिंग करते हैं, कोई एक्सप्लिसिट लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलती है। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे कल किसी तड़कते भड़कते से व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पीस। हाँ भाई एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गया, मुझे लगा मैं अब व्लॉग कर ही रहा हूँ तो ये चीज़ भी शेयर कर ही लेता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट डोज ऑफ मेडिसिन, ये मेरी आखिरी गोली होने वाली है आफ्टर ऑलमोस्ट, मतलब 2 साल होने वाले हैं मेरे को ऑलरेडी मेडिकेशन पे, मतलब 2 साल हो चुके हैं एक्चुअली। मैंने जनवरी 2022 में शुरू करी थी और जनवरी 2024 में मेरा जो कोर्स है वो ख़त्म होने वाला है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है और अजीब सा भी लग रहा है, पता नहीं मिक्स्ड सी फीलिंग हो रखी है। पर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं अब ये दवाई का जो कोर्स है वो ख़त्म करने वाला हूँ और अब से मैं अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ, जो मैंने बीच में इग्नोर कर दिया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस यही है भाई जो शेयर करना था। डन